भाई आज जाएंगे देहरादून और तारीख है 25। हम निकल चुके हैं देहरादून की तरफ और ये हमने सिलेंडर और चूल्हा लाद लिया है। तो यहाँ से हमारा देहरादून का सफ़र शुरू होता है और भाई रास्ते का जो व्यू है बहुत बढ़िया था। ठंड भी लग रही थी और ये रास्ते में कुछ बंदर भी मुझे दिख रहे थे। और भाई अब धीरे धीरे हम पट रहे थे अपने सफ़र की तरफ। आगे जाके हमको पहाड़ भी दिखने लगे और मौसम जो एकदम बेहतरीन हो रहा था। और भाई रास्ते ऐसे पहाड़ों के कि मेरा सिर चकराने लगा। और ये रास्ते में ठंड का मजा उठाते हुए अंकल आंटी। और ये रास्ते में कुछ आंटियाँ लिफ्ट मांग रही थी अपनी लकड़ियों के लिए। हम कहा करें, हम तो पहले से चूल्हा लाते हैं वरना बैठा लेते आपको। देहरादून के रास्ते में जाते हुए एक ऐसा गुफा पड़ता है, नहीं आँखिया चुनिया जाता है। बहुत बेहतरीन गुफा है, लगभग 1 किलोमीटर का होगा ये। और आप देख सकते हैं, आप तो इसमें लाइट लग चुकी है पर पहले लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। मतलब रास्ते में जाते हुए संघर्ष बहुत है भैया। और देखो इतना लंबा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और गाड़ी इसमें आप स्पीड में तो चला ही नहीं सकते, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम पेट्रोल बनी रहें। और गुफा से निकल चुके हैं बाहर। देहरादून में तो आ गए पर देहरादून के ट्रैफिक से निकलना बहुत मुसीबत है भैया, भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत ही। देहरादून तो पहुंच गए पर देहरादून की जो मंजिल है वहां पे जाने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ी गूगल भैया की। और भाई हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में मिल गया हमको पूरे 100 सेकंड का स्टॉप। और इधर देखो भैया का कट गया चलान। आ गया मज़ा, चलाओ बिना हेलमेट के गाड़ी। ये गूगल भैया कहाँ हमको जंगल वंगल में ले आए। देखो अगर गलत रास्ते पे ले गए ना, बता रहे हैं बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जंगल ही है भैया, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, देख रहे हो 300 मीटर दूर बचा है। दोस्तों भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे देहरादून से। तो ये जो है लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर था जो जहाँ पे आए थे हम। और भाई घर भी अच्छा है, आपको दिखाऊंगा रूम का टूर कैसा रूम है, ऊपर का फ्लोर और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और भाई जो व्यू है ना यहाँ से सामने का बेहतरीन, ये देखो इधर पहाड़ी पहाड़ और इधर जंगल ही जंगल। एक बार आपको दिखाता हूँ सामने से नज़ारा कैसा, ये देखो भाई। झंडा मेरा भारत, क्या तो भूख लग रही है। तो भाई जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा और कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो भाई चलेंगे अब बनाएंगे कुछ। मेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया कैसा यार, छोटी भाई खाने वाली का तो बहुत चोद नु कह रहा है, नु कह रहा है, मगर तेरी बात नु कह रहा है। क्या पूछ ली मेरे से, हेलो क्या कह रहा तू, रोटी गोल नहीं बननी देगा यार, रोटी गोल नहीं बननी बिल्कुल भी। क्या बना रहा है यार, तो दोस्तों उठ चुके हैं। और भाई आज है 26 जनवरी और उदित भाई भी अभी सोच उठ गए हैं। और भाई सभी भाइयों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई और क्या आया, आज बसंत पंचमी है उसके भी भाई सभी भाई को शुभकामनाएं। सबके सब गाना सुनो, जलवा तेरा जलवा जलवा एक नंबर है गाना है। और भाई पतंग उड़ाओ, मस्ती करो। अभी भाई सो के उठे थे, आपको एक बार दिखाएंगे बाहर का व्यू कैसा है। बाहर बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा होगा, शायद धूप निकली थोड़ी सी, तो चलेंगे बाहर। लगभग बज रहे 11 और भाई भी निकले थे बाहर। और आपको एक बार दिखाऊंगा सामने का व्यू कैसा है, बहुत ही बेहतरीन जो है ना। तो भाई देख सकते हैं आप सामने पूरा है, जंगल ही जंगल है इधर भी और इधर का है। और इसके बाद चलेंगे छत पे, छत का दिखाएंगे आपको व्यू कैसा है।